नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पोकर गेम कैसे खेलते हैं। काफ़ी फ्रेंड्स भाइयों लोग ने मुझे कमेंट किया कि भाई पोकर गेम कैसे खेलते हैं, पोकर गेम के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो भाई अगर जो आप लोगों को पोकर गेम नहीं खेलने आता हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे पोकर गेम कैसे खेलते हैं। दोस्तों दोस्तों आप लोग कोई भी पोकर गेम खेलते हो, बहुत सारे पोकर गेम आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन जो इसमें तरीका बताऊँगा हर में वही तरीका काम करेगा। जो सारे में जो खेलते हैं पोकर गेम जो तरीका रहता है वही तरीका इसमें भी काम करेगा, सेम ये तरीका उसमें काम करेगा। दोस्तों जो पोकर गेम के जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, सारे एक ही होते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा मिस मत कीजिएगा, थोड़ा सा अगर मिस करते हैं शायद आप लोगों को समझ में ना आए। दोस्तों यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर आप लोगों को सीखना है तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत से ऐसा मतलब हाईएस्ट कार्ड है, कौन कौन हाईएस्ट कार्ड है, कौन लो कार्ड्स है, मतलब सारा रूल्स आपको समझना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप लोग को अच्छी तरह सीखना है, जानना है, तो पोकर गेम सीख लो। अगर ये गेम अच्छी तरह से आप लोग सीख लेते हो तो बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। बहुत सारे पोकर गेम ऑनलाइन गेम है जिसमें रियल कैश द्वारा खिलाए जाते हैं, आप लोग सीख कर बहुत अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। तो इस गद्दी के माध्यम से जो कार्ड्स हैं, इस माध्यम से आप लोग को सिखाएंगे पोकर गेम कैसे खेलते हैं, जो कि आज तक कोई यूट्यूबर यूट्यूब पर ऐसा वीडियो भी नहीं डाला होगा पोकर गेम के बारे में, जिस तरह हम आज समझाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे हाईएस्ट कार्ड कौन कौन से होते हैं। हाईएस्ट कार्ड हम जानेंगे, लो कार्ड्स जानेंगे कौन कौन होते हैं, तभी आप पोकर गेम खेल पाएंगे। पहले आप लोगों को सीखना होगा हाईएस्ट कार्ड कौन कौन से होते हैं, लो कार्ड्स कौन से होते हैं, तभी तो आप जानेंगे कि हम गेम को जीत रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तभी तो आप जानेंगे। तो इसलिए दोस्तों पहले हम कार्ड्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कैसे इस गेम को खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, सारी बातें आपको दिखाएंगे, इसमें खेल कर भी आप लोगों को सिखाएंगे कैसे मतलब खेला जाता है कैसे नहीं। तो पहले हम समझ लेते हैं कार्ड्स कैसे कैसे बनाना होता है। तो दोस्तों जो आप नीचे यहाँ पर जो ये कार्ड्स देख रहे हैं, सबसे हाईएस्ट में से सबसे लो कार्ड है, जो हाईएस्ट कार्ड होता है सबसे लो कार्ड, इससे लो कार्ड कोई नहीं होता दोस्तों। अगर इसमें आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें ना तो हमारा कोई रन बन रहा है, पहले ध्यान से आप लोग देखिए, इसमें कोई ना रन बन रहा है ना ही कलर बन रहा है। कलर दोस्तों किसको बोलते हैं, जैसे चीड़ा है, चीड़ा का सारी पत्तियाँ रहेंगी, नंबर कोई कोई भी नंबर हो उससे मतलब नहीं, वो चीड़ा चीड़ा सब रहेगा तो कलर बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें ध्यान से आप लोग देखिए, ना तो रन है ना तो कलर है। अगर रन रन किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 2 3 5 है, इसमें हम 4 डाल देते हैं, रन हो जाएगा 2 3 4 5, ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को एक भी इसमें कहीं पर रन नहीं देखने को मिलेगा, ना तो जुट मिलेगा। जुट किसे बोलते हैं, मान लो दुखी है, एक दुखी और मेरे पास रहता तो उसे जुट रहता, इसमें जुट भी नहीं बन रहा है, ना तो रन बन रहा है ना तो कलर बन रहा है। यानी मेरा क्या है, ये इसमें सबसे बड़ा पत्ती कौन है, बादशाह, यानी यानी बादशाह बेस बोलेंगे। कोई मेरा हाईएस्ट कार्ड नहीं है, एकदम लो कार्ड है, ऐसा पत्ती आपका आएगा तो आप कभी नहीं जीतेंगे, हमेशा लॉस जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, जो जो बातें बताएंगे अच्छी तरह से अगर आप सीख लेते हैं तो आपको पोकर गेम में कोई कभी हरा ही नहीं सकता है। चलिए दोस्तों ये सबसे मेरा लो लो पत्ती होता है, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारा जो पत्ती होती है यहाँ पर, इससे इससे बड़ी पत्ती होती है हमारा ए वाला। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी सेम वही काम किया गया है, इसमें देखेंगे तो इस वाले रन से, इस वाले पत्ती से ए वाला पत्ती हमारा बड़ा है। कैसे बड़ा है भाई, देख सकते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर बादशाह है, यहाँ पर एक्का है, इसलिए हमारा बादशाह से बड़ा एक्का होता है, तो हमारा ए वाला कार्ड्स बड़ा है। इसमें भी अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो इसमें रन नहीं लग रहा है, कलर नहीं लग रहा है, कोई कलर इसमें लग रहा है, ध्यान से देखिए कहीं पर भी कलर नहीं मैच कर रहा है। जैसे मान लो चीड़ा है, उकमा है, ईंटा है, पान है, पान है, मान लीजिए अगर एक पान और यहाँ पर आता तो मेरा एक कलर बन जाता, इसमें कलर भी नहीं कोई बन रहा है। इसलिए दोस्तों ये भी मेरा इससे मतलब लो कार्ड ए है मेरा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ध्यान से ये चीज़ देखना है कि जैसे यहाँ पर देखेंगे तो मेरा ए वाला जो कार्ड है इससे मतलब बड़ा ए है, मतलब ए छोटा है इससे बड़ा ए है। अब इससे बड़ा कोई और होगा, कौन बड़ा होगा भाई, तो यहाँ पर ध्यान देखिए, इससे बड़ा मेरा ए होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यानी कि 2 बादशाह है, 2 8 है, यानी यहाँ पर देखेंगे तो 2 बादशाह है, तो भाई 2 बादशाह तो इसी ही बड़ा है, यहाँ पर 2 8 भी है, तो यानी ये वाला मेरा कार्ड्स क्या बड़ा है, इससे बड़ा है। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, यानी इस वाले कार्ड से ये बड़ा है, इस वाला कार्ड से ये बड़ा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे काम कर रहा है, इस तरह से काम कर रहा है। अब जैसे यहाँ से अब ऐसा पत्ती बनाते हैं दोस्तों, तो इन सभी पत्तियों से ये वाली पत्ती अब बड़ा होता है। अगर मान लीजिए इससे बड़ा कौन सी पत्ती हुई, तो इससे बड़ा पत्ती आपका ये वाला होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग 3 गुल्लू इसमें है, इसमें क्या है, 3 गुल्लू यानी त्रेल, यानी मेरा एक हाथ बन गया और यहाँ पर 2 पत्ती बच गए, तो मानी इसमें देखेंगे तो आपका सिर्फ 2 ही बादशाह है। इसमें आप लोग देखेंगे तो इक्का, इसमें इसमें देखेंगे तो आप लोगों का तिरेल लगा, क्योंकि 2 गुल्लू 3 गुल्लू है इसमें। तो ये मेरा ए वाला कार्ड से हाईएस्ट कार्ड, थोड़ा इससे हाई कार्ड ये मेरा होगा, तो ये मेरा इससे बड़ा कार्ड है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप लोग समझिएगा, अभी खेल को आप लोग को खेल के दिखाएंगे कैसे इसको खेला था, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से देख लेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगी। अब देखिए दोस्तों इससे बड़ा मेरा कार्ड्स कौन सा होता है, ए वाला कार्ड्स होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे इससे बड़ा मेरा कार्ड ए वाला होता है। अब ये वाला कैसे भाई कार्ड
बड़ा होगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास तीरियल है, यानी दो पत्ती तुम्हारे यहाँ पर बच जा रही है, यहाँ पर तीन पत्ती का गुल्लू यहाँ लगाया तो मेरा दो पत्ती यहाँ बच गई। अगर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान देखेंगे तो यहाँ पर एक भी पत्ती नहीं बचेगी, कैसे नहीं बचेगी, यहाँ पर देखेंगे 6 है 7 है 8 है 9 है 10, यानी टोटल मेरा कार्ड यहाँ पर बन गया है और ये जो कार्ड है पूरा नहीं बने हैं। मान लो यहाँ पर तीन कार्ड बनाए, दो कार्ड बच गया, इसमें न तो कलर लग रहा है ना तो रंग लग रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 बादशाह 2 8 एक कार्ड बच जा रहा है, और यहाँ पर आप ध्यान देखेंगे तो पूरा कार्ड बन गया है, कैसे कि 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है, यानी पूरा ये मेरा रन लग गया है। लेकिन दोस्तों जो ये रन लगा है मेरा कच्ची रन लगा है, पक्की रन नहीं लगा है। पक्की रन कैसे होता है अभी आप लोग दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देखेंगे देखेंगे इस मतलब अगर ये वाली पत्ती आपका लगी है तो इस टाइप की जितनी पत्तियाँ जो आगे वाला बंदे बनाए होंगे सब लोग हार जाएंगे, सब लोग लॉस हो जाएंगे। आप इससे जीत ये ऐसा बनाएंगे आप लोग तो आप लोग जीत जाएंगे। अब इसको भाई हराने वाले क्या पत्ती है, मानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आप कर्म वाइज पत्ती रखें ये छोटा है ये बड़ा है, इससे बड़ा है इससे बड़ा है इससे बड़ा है। अब इससे बड़ा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे बड़ा क्या होगा, अब इससे बड़ा दोस्तों ये वाला होगा। कैसे बड़ा होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये मान लेते हैं हमारा रन तो नहीं है, रन नहीं है, लेकिन रन नहीं है दोस्तों, लेकिन ये जो पत्तियाँ सारी पत्तियाँ सिर्फ एक ग्रुप के पत्तियाँ हैं, जैसे चीड़े की सारी पत्तियाँ हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मिक्सिंग है, पान का है, हुक्मे का है, यहाँ पर ईंटे का, चीड़े का, यानी सब मिक्सिंग करके यह रन बनाया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें मिक्सिंग नहीं किया गया, सब एक ही ग्रुप के चीड़े चीड़े ग्रुप की पत्तियाँ जानना है, सब चीड़े ग्रुप, इसे बोलते हैं हम कलर और इसे बोलते हैं हम रन। ये मेरा कलर हो गया दोस्तों जो कि एक ही ग्रुप के पत्तियां हैं। तो हम क्या क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर जिन नीचे इसके इसके पीछे की जितनी पत्तियां हैं वो ऐसा आपका लग जाता है, कलर बन जाता है, तो आप जीत जाएंगे, ये सभी सारे लोग हार जाएंगे। भले से कोई भी यहाँ पर रन लगाए है, कुछ भी यहाँ पर ऐसे लगाए हैं, ये सब लोग लॉस हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे। तो यहाँ पर हम कर्मवाइज पत्ती रख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अब भाई इसको हराने वाला कौन है, इसके हराने वाला चलिए आपको आगे दिखाते हैं, चलो इसको यहाँ पर सामने बगल में रख देते हैं। तो दोस्तों ये मेरा होता है फ्लस, इसे बोलते हैं फ्लस, ये कलर ऐसे पत्ती होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसको हराने के लिए कौन सा पत्ती होता है भाई, ये पत्ती होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मेरा दो काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है दोस्तों ध्यान देखिए, यहाँ पर मेरा कलर भी है, ऐसे है हुक्मा है तो हुक्मा देखिए सारी काली पत्तियाँ हैं, तो मेरा कलर है। तो भाई मान लेते हैं कलर इसका भी कलर है। अगर इसका नंबर देखें तो नंबर भी सेम है दोस्तों, कैसे सेम है यहाँ पर देखिएगा, मतलब नंबर ये मतलब रन मेरा लग रहा है, जैसे 10 है 11 है 12 है और ये 13 है 14, यानी दाला जो 10 है तो मान ले दाला 10 है, गुल्लू 11 है, ये बेगी जो 12 है, बादशाह ये 13 है और एक्का जो है मेरा 14 है, ये जो चीज 14 का, यानी देखेंगे दोस्तों तो ये मेरा प्योर सिक्वेंस लग रहा है। यानी दोस्तों यानी सबसे बड़ा रन क्या हो गया, ये वाला रन हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये वाला रन हो गया, सबसे बड़ा रन हो गया। और भी पत्तियाँ होता है दोस्तों, बहुत सारे पत्तियाँ, लेकिन सारी पत्तियाँ हम यहाँ पर बना के दिखाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बस इतना से आप लोग समझ लीजिएगा कि कैसी कैसी पत्तियाँ हमारा हाईएस्ट कार्ड कैसे कैसे हम बना सकते हैं और कैसे क्या इसमें आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। बस हमने छोटा सा इसको बस क्लिप लिया था आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे हाईएस्ट कार्ड ऐसा होता है, ऐसा आपका कार्ड आ जाएगा तो आपको कोई हराने वाला नहीं है, कोई आपको हरा ही नहीं पाएगा। अगर ऐसा कार्ड आपको आपके सामने ऐसा कार्ड कोई आ जाता है तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा रन होता है यही। भले ही कोई तिरेल लिया रहेगा बंदा तो तिरेल लेक का करेगा, जब 4 1 का भी उसके पास आ जाएगा तभी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि 4 1 का है तभी तो एक पत्ती उसका बच जाएगा और यहाँ पर चारों पत्तियाँ आपका लग जाएंगी ऐसा रहेगा तो इसलिए दोस्तों आप जीत जाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं गेम की तरफ में, गेम कैसे खेला जाता है दोस्तों। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई हमको समझ में नहीं आया है, तो भले ही वीडियो इससे बड़ा हो जाएगा तो क्या लेकिन उस वीडियो में हम कवर कर देंगे, आप लोग बता देंगे कैसे सीखा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को हल्का फुल्का समझ में आ गया हो, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारा जैसे ये वाला जो रन है, ये वाला जो कार्ड है सबसे लो कार्ड से हाईएस्ट कार्ड है, उससे हाईएस्ट मतलब इस कर्म वाइज हमने रख लिए हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, हम ऐसे यहाँ लगा दे रहे हैं और आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अब चलिए यहाँ इस बगल वाली पत्ती यहाँ पर जो सामने है, ये बगल वाली पत्ती है, इसको आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही फायदा होगा, आप जब गेम खेलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं तो आप लोग खेल पाएंगे बहुत अच्छी तरह से दोस्तों। चलिए दोस्तों हम गेम की तरफ बढ़ते हैं, कैसे गेम को खेला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम सीखते हैं कैसे इस गेम को खेला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे आप लोगों को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम और ज़्यादा वीडियो आपको डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक का टारगेट हम 200 लाइक रखते हैं, 200 लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा, उससे ऊपर आप लोगों को करना है तो कर दीजिएगा आपकी मर्ज़ी, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को 200 लाइक कम से कम कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों।
चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं कैसे इस गेम को खेला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दें एक बात कि यहाँ पर सिर्फ आपको दो कार्ड मिलेंगे। कोई भी पोकर गेम खेलेंगे तो आपको सिर्फ दो कार्ड मिलते हैं, जितने बंदे रहेंगे सभी को दो दो कार्ड मिलेगा। और दोस्तों बाकी जो पाँच कार्ड है यहाँ पर आप लोगों को टेबल के सामने वाला जो डीलर रहता है वो डीलर आपको पाँच कार्ड यहाँ पर देता है। पहले राउंड में आपको तीन कार्ड देगा, उसके बाद एक कार्ड, उसके बाद एक कार्ड, मतलब तीन राउंड में आपको टोटल यहाँ पर पाँच कार्ड दे देगा। अब दोस्तों इसमें कैसे खेलाता है चलिए हम आप लोगों को यहाँ पर पत्ती खेल के दिखाते हैं। यहाँ पर चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर चार लोगों को दो दो कार्ड बांट देते हैं। ठीक है दोस्तों, दो दो कार्ड चार लोगों को बांट देते हैं। ठीक है, दो दो कार्ड, अब कुछ भी हो, मैं यहाँ पर चार लोगों को दो दो कार्ड बांट दिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दो दो कार्ड चार लोगों को बांट दिए। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक बंदा का चाल आएगा, मान लीजिए हमारा इस बंदे का चाल है, तो इसके पास चार ऑप्शन होंगे। कौन कौन से चार ऑप्शन होंगे, या तो इसकी पत्ती अगर बढ़िया होगी और इसके खेलने का मन होगा, इसका बढ़िया पत्ती होगी तो ये क्या करेगा, इसको जी तो यहाँ पर कॉल देगा, मतलब कॉल देगा, या चाहे रेस देगा। ठीक है, या चाहे रेस देगा, या चाहे फोल्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर या चाहे रेस देगा, या चाहे कॉल देगा, या चाहे फोल्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फोल्ड होगा यानी ये गेम को नहीं खेलेगा। अगर दोस्तों यह रेस दे देता है, मान लीजिए यह क्या किया, गेम को रेस दे दिया, तो जब अगर जो ये गेम को रेस दे देगा तो जो यहाँ पर जो बंदा बैठा है इस बंदे को कॉल या चाहे रेस, मान लीजिए अगर ये बंदा पत्ती को देख लिया, ये तो मान लीजिए यहाँ से रेस दे दिया और रेस दे दिया, अगर यह बंदा पत्ती देख लिया, इसका पत्ती अच्छा है लगे लगे रहेगा, तो इसके पास तीन ऑप्शन बचेंगे। कौन कौन से, या चाहे गेम को रेस दे सकता है, या चाहे कॉल दे सकता है, या चाहे फोल्ड हो सकता है यानी बैठ सकता है, अगर इस गेम से बाहर निकल सकता है। तो मान लीजिए ये गेम को क्या किया, कॉल दे दिया। ठीक है, एक गेम को कॉल दे दिया यानी कॉल का मतलब होता है ये पत्ती मंगा रहा है, मतलब डीलर से वो जो तीन पत्ती आएगी यानी टेबल पे आए, यानी कॉल दे रहा है तीन पत्ती देखने के लिए, उसे मिलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तब मान लीजिए कॉल दे दिया, अब ये बंदा क्या किया, इसने भी कॉल दे दिया। ठीक है, इसका भी पत्ती लगाया तो इसने क्या किया, कॉल दे दिया। अब हमारा हमारा चला है तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ से कॉल दे देंगे। अगर ये बंदा कॉल नहीं देता है, मान लीजिए अगर ये बंदा कॉल नहीं देता है, फिर से रेस दे दिया, तो फिर हमारे सामने डीलर तीन पत्ती यहाँ पर, तीन कार्ड जो होते हैं तीन कार्ड यहाँ पर काउंटर पर डालेगा नहीं, यानी फिर से हमको यहाँ से रेस दे रहा है, यानी इसकी पत्ती कुछ बड़ी लगी है तभी ये रेस दे रहा है, और रेस दिया तो ये बंदा फिर कॉल दिया, फिर कॉल दिया, फिर हमने कॉल दिया, यानी फिर इसे क्या किया, कॉल दे दिया। जब कॉल दे दिया तो यहाँ पर सामने टेबल पर तीन कार्ड्स आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर तीन कार्ड्स हम डाल देते हैं, कौन कौन से तीन कार्ड है यहाँ पर, तीन कार्ड हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमने तीन कार्ड यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, यहाँ पर तीन कार्ड डाल दिए, तो अब क्या होगा दोस्तों, इस तीन कार्ड में से हम मिलाएंगे। चलिए हम अपना कार्ड देख लेते हैं, और पहले ही हम देख लेना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर दे लेंगे, देख लेंगे, अब ये जो दो कार्ड है इससे बाद आपके पास कार्ड कोई नहीं आएंगे, जो यहाँ पर डीलर जो आपको यहाँ पर तीन कार्ड दिया, इसी कार्ड से आप लोग को यहाँ पर पांच कार्ड का बनाना है। तो मान लीजिए तीन कार्ड है, तीन कार्ड आपका है, इसका भी तीन कार्ड है, यानी इससे ये भी बना सकता है, इससे ये भी, इससे ये भी, यानी टोटल जो इक्का अट्ठा छक्की है ये सभी लोगों के पास गया है, यानी सभी लोग, एक कॉमन होता है, सभी लोग इसमें से लेके बना सकते हैं, यानी लेंगे नहीं, मतलब एक दिमाग में सोच लेंगे कि हमारा ये बन रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, यानी बादशाह है, और यहाँ पे बादशाह है, यहाँ पर एक का है और अट्ठा है मेरे पास। ठीक है दोस्तों, अट्ठा तो हमारे काफ़ी बढ़िया पत्ती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉल दे देंगे। चलिए कॉल दे सकते हैं, अच्छा रेस दे सकते हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉल दे देंगे। तो हम कॉल दे दिए यहाँ पर, जितना का आपका कॉल देना है उतना से पैसे बढ़ाकर आप लोग यहाँ से कॉल दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कॉल दे दिया, तो कॉल दे दिया तो यह बंदा क्या किया, इसने भी कॉल दिया, उसने भी कॉल दिया, इसने भी कॉल दे दिया, तो क्या होगा, अगर इसमें से कोई भी अगर रेस दे देता है तो हमारे पास सामने फिर से जो एक पत्ती आने वाली है वो पत्ती आएगी नहीं। तो भाई यहाँ पर सभी लोग कॉल दिए, तो चलिए एक पत्ती और यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नहला आया है, यानी यहाँ पर हम हमारा जो डीलर है हमको नहला दिया है, तो यहाँ पर नहला हम मैच कराएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे मेरा क्या बन रहा है। तो भाई मेरा फाइनली यहाँ पर कुछ अभी बन नहीं रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो यानी इक्का है और बादशाह है, अगर यहाँ पर बेगी रहता तो मेरा एक रन भी बन सकता, और यहाँ पर कलर देखेंगे तो कलर भी मेरा नहीं बना, क्योंकि ईंटा है तो यहाँ पर एक ईंटा, यहाँ पर एक ईंटा और रहता तो मेरा कलर बनता, तो कलर भी नहीं यहाँ पर कुछ बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दो अट्ठा बन रहा है यानी ये बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से
कॉल देंगे। चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, कॉल दे दिया, यानी कॉल कॉल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर कॉल दे देंगे। जब कॉल दे दिया तो जो यहाँ बगल वाला बंदा है इसने क्या किया, रेस दे दिया। अब रेस दे दिया तो भाई जो यहाँ पर जो बंदा है वो बंदा देखे उसका पति लग नहीं रहते, क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। चलिए इसने फोल्ड हो गया तो इस पति को हटा देते हैं, मान लीजिए देखा ये खेलाने को मन नहीं इसका, बढ़िया पति नहीं थे, फोल्ड हो गया। अब इसने भी क्या किया भाई, इसने भी फोल्ड हो गया तो इसको भी हटा देते हैं, मानिए ये भी दोनों फोल्ड हो गया, यानी हम ही दो लोग बचे हैं। तो हम लोग दो लोग बचे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉल दे देंगे। तो आप कॉल दे सकते हैं, तभी क्या कर रेस दिया है, कॉल दे देते हैं, यानी मेरे सामने एक पत्ती और आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यानी मेरे पास एक पत्ती और, यानी टोटल यहाँ पर पांच पत्ती हो गया, यानी दहला आ गया। तो अब दोस्तों आप लोग ध्यान से यहाँ देखेंगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या क्या बन रहा है। पर देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास ये बादशाह एक का हो गया, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अट्ठा हो गया, और यानी अट्ठा हो गया, और नहला हो गया, और दहला हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसा बन रहा है। तो चलिए दोस्तों इस गेम को हम यहाँ पर क्या करेगा, रेस या एक कॉल दे दिया, यानी यानी मेरा गेम शो हो गया। तो मान लीजिए इस गेम को हमने यहाँ से शो कर दिया। अब शो कर दिया तो इसके पास देखेंगे तो भाई क्या क्या है, यहाँ पर देखेंगे एक का और बादशाह है। तब चलिए यहाँ से कुछ मैनेज करते हैं कैसे गेम को कौन जीत रहा है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो या भाई इसके पास क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो इसके पास दो इक्के हैं, यानी बस एक साथ दो इक्के हो गए। और यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आठ नौ ए वाला, देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्या हुआ दोस्तों, ए वाला गेम जीत गया, हम यहाँ पर गेम को लॉस कर गए। ठीक है भाई, यहाँ से हम क्या हो गए, हम गेम को यहाँ पर लॉस कर गए। कैसे गेम को लॉस किए भाई, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो मेरा बादशाह हो गया, यहाँ से आप यहाँ से निकाल ले, यहाँ पर मेरा एक बादशाह से जुट बन रहा था भाई, अट्ठा है तो ये बन रहा था, इसका पास इक्का था तो इक्का से वाला गेम, इक्का से वाला गेम जीत गया, उसका बड़ा है तो उसको वो जीत गया, मेरा छोटा था तो मैं लॉस हो गया। तो दोस्तों अगर ये गेम आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट बटन में बताइएगा आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया, फिर से वीडियो दोबारा बनाकर आप लोगों को बता देंगे। ठीक है दोस्तों।